दोस्तों स्वागत है आपका Fact31 चैनल के एक और नए रोमांचक वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच पक्षियों के बारे में बताने वाला हूं जो कभी भी उड़ नहीं सकते। नंबर 5, दक्षिणी द्वीप का ताका पक्षी। ताका नाम का ये पक्षी दुर्लभ प्रजाति का माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ दक्षिण द्वीप में ही पाया जाता है और इनकी संख्या बहुत ही कम है। पहले तो इस प्रजाति को विलुप्त माना जा रहा था, लेकिन साल 1948 में इसे दोबारा खोज लिया गया। इस पक्षी के भी पंख होते हैं, लेकिन ये उड़ने में समर्थ नहीं है। नंबर 4, गुआम रेल। गुआम रेल अमेरिका में पाई जाने वाली छोटी चिड़िया है। ये भी बाकी छोटे पक्षियों की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके पंख इतने विकसित नहीं होते जिससे कि ये उड़ सके। नंबर 3, एमू। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पक्षी है। ऑस्ट्रिच के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी ऊंचाई 1.9 मीटर तक हो सकती है। शुतुरमुर्ग की तरह अत्यधिक वजन के कारण ये पक्षी भी उड़ने में असफल रहता है। नंबर 2, पेंगुइन। ये एंटार्क्टिका द्वीप में पाए जाने वाला छोटा पक्षी है, जो अपने भरण पोषण के लिए समंदर के अंदर जाकर मछलियों का शिकार करता है। इसके भी पंख होते हैं, लेकिन ये उड़ने में असमर्थ होता है। क्योंकि इसका जीवन पानी में मौजूद मछलियों पर निर्भर करता है, ऐसे में इनके शिकार के लिए ये एक बार में 7 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है। नंबर 1, ऑस्ट्रिच पक्षी। ऑस्ट्रिच, जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन ये कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका वजन काफी अधिक होता है और इसके पंख इसके वजन को उठा नहीं पाते हैं। ऑस्ट्रिच अफ्रीका और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। पहले ये एशिया में भी पाया जाता था, लेकिन अत्यधिक शिकार के कारण ये एशिया में विलुप्त होने की कगार पर है। हालांकि इसे आप चिड़ियाघर में देख सकते हो। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इन पक्षियों के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और ऐसी अनोखी और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।